हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप लक्ष। और मैं हूं अभी ओमान का मस्कर सिटी में, और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से, और मैं अभी सुहार सिटी में हूं। और हम लोग का जो टॉपिक है आज वो है वाइब्रेटर फीडर। जो वाइब्रेटर का फीडर होता है वो कितना टाइप का होता है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो यूज़ करने से हम लोग क्या फ़ायदा मिलता है, उसका बारे में जो भी इंटरव्यू में पूछा जाने वाला जो भी क्वेश्चन है उसका बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और जो मेरा चैनल में नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, दोस्त लोगों का साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं टॉपिक का ऊपर में। दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक है आज वो है वाइब्रेटिंग फीडर का बारे में। वाइब्रेटिंग फीडर जो होता है उसका बारे में पूरा रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है उसका बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। वाइब्रेटर फीडर कितना टाइप का होता है, क्या क्या होता है, उसका मोशन क्या है, उसको वाइब्रेटर क्यों लगाते हैं, उसको अनबैलेंसिंग मोटर को कैसा एडजस्ट करते हैं, उसका बारे में पूरा डिटेल्स है। आज आप स्किप मत कीजिए, वीडियो शुरू से अंत तक बिल्कुल देखिए। हम लोग का जो टॉपिक है आज वो है वाइब्रेटर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन जो होता है, वाइब्रेटिंग फीडर होता है। वाइब्रेटिंग हम लोग मैकेनिकल इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनको मालूम होगा वाइब्रेटर फीडर क्या है, वाइब्रेटर स्क्रीन क्या है। उसका वाइब्रेटर फीडर जो होता है उसका बारे में पूरा डिटेल्स आज जानेंगे। चलते हैं क्वेश्चन आंसर के, व्हाट इज द वाइब्रेटर फीडर और वाइब्रेटिंग फीडर। जो भी होता है वाइब्रो फीडर क्या है और वाइब्रेटिंग फीडर क्या है उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। एक एक पॉइंट हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और जो चैनल में नया है प्लीज़ लाइक जरूर करके जाइए, सब्सक्राइब करना तो लाजमी है। चलते हैं आंसर का तरफ। ए वाइब्रेटर फीडर इज एन इक्विपमेंट दैट यूजेस वाइब्रेटिंग टू फीड मटेरियल थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ए मशीन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्लो। एक वाइब्रेटिंग जो फीडर होता है वो एक इक्विपमेंट होता है जो यूज होता है कि वाइब्रेटिंग करके हम लोग जो मटेरियल को थ्रो करते हैं वो प्रोसेस करते हैं, वो एक मैकेनिकल कंट्रोलिंग और रेट ऑफ फ्लो का हिसाब से जो हम लोग फीडर यूज़ करते हैं उसका यही काम रहता है। जो वाइब्रेटर फीडर होता है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो एक इक्विपमेंट होता है जो कि वाइब्रेटिंग करके एक प्रोसेस करता है, मटेरियल को प्रोसेस करके एक कंट्रोलिंग रेट ऑफ फ्लो में वो फीडिंग देता है। नेक्स्ट स्टेप है वाइब्रेटर फीडर यूटिलाइज बोथ वाइब्रेशन एंड ग्रेविटी टू मूव मटेरियल फॉरवर्ड। जो भी वाइब्रेटर फीडर है वो यूटिलाइज होता है बोथ वाइब्रेशन करने के लिए और ग्रेविटी टू मूव मटेरियल फॉरवर्ड, मटेरियल को फॉरवर्ड करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटी इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन आइदर डाउन और डाउन, डाउन और डाउन एंड टू ए साइड एंड देन वाइब्रेटिंग इज यूज टू ट्रिगर द मटेरियल मूवमेंट। जो भी हम लोग यूज करते हैं वो मटेरियल को मूवमेंट करके स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग फीडर। जो हम लोग का वाइब्रेटिंग फीडर है उसका फंक्शन क्या है, हम लोग तो मालूम हो गया ये स्क्रीनिंग करके आगे फॉरवर्ड करता है मटेरियल को, जो वाइब्रेटिंग फीडर हम लोग यूज करते हैं। हम लोग नेक्स्ट उसका जो आंसर है उसका तरफ चलेंगे कि उसका फंक्शन क्या है और वाइब्रेटिंग फीडर का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग फीडर। उसका आंसर है टू शिफ्ट द मटेरियल बाय यूजिंग बोथ वाइब्रेशन एंड ग्रेविटी फोर्स। जो मटेरियल होता है मटेरियल को वाइब्रेशन करके एंड ग्रेविटी फोर्स को ये करके मटेरियल को शिफ्ट करता है फॉरवर्ड का तरफ, जो फॉरवर्ड होता है आगे का तरफ वाइब्रेशन का थ्रू और ग्रेविटी फोर्स जो होता है उसका थ्रू मटेरियल को आगे करता है एक लिमिटेड क्वांटिटी का हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेटिंग फीडर। एक वाइब्रेटिंग फीडर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हम लोग तो जान लिए उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसको कैसा काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल मतलब कैसा काम करता है उसका बारे में डिटेल्स ले लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल है, आंसर का तरफ चलते हैं। ये वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म अटैच टू द वाइब्रेटिंग फीडर इम्पैक्ट रैपिड वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड टू इट्स सरफेस एंड द मटेरियल मूव्स डाउन बाय यूजिंग वाइब्रेटिंग एंड ग्रेविटी फोर्स। ये भी यही बताता है उसका मैकेनिज्म जो होता है वो रैपिड वाइब्रेशन होता है और स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है इसका सरफेस का ऊपर होता है वो, एंड द मटेरियल मूव डाउन बाय यूजिंग वाइब्रेटिंग एंड ग्रेविटी फोर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ, राइट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग फीडर। जो वाइब्रेटिंग फीडर का है उसका पार्ट्स क्या है, उसका कंपोनेंट जो लगता है
उसका नेम क्या है, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में पूछता है वाइब्रेटिंग फीडर का उसका पार्ट्स का नेम बताइए। हम लोग जान लेते हैं उसका जो पार्ट्स का नेम, उसका बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसका एक में है फीडर, जो ऊपर में रहता है, जो ट्रे जो रहता है उसको ट्रे भी बोलते हैं, फीडर ट्रे बोलते हैं, फीडर भी बोल सकते हैं। और वाइब्रो मोटर, जो पीछे में जो मोटर लगा होता है उसको वाइब्रो मोटर बोलता है, और जो साइड में वाइब्रेशन को प्रदान करने के लिए जो स्प्रिंग लगा होता है उसको हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं। हम लोग ऐसे स्प्रिंग मत बोलिए, हेलिकल स्प्रिंग बोलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हॉपर एंड ए चूट? ये तो हो गया फीडर का बारे में, उसको डिस्चार्ज करने के लिए और उसको इनकमिंग आने के लिए और आउटगोइंग जाने के लिए। जो चूट होता है, डिफरेंस बिटवीन हॉपर एंड चूट, उसका डिफरेंस क्या है उसका जान लेते हैं। हॉपर वेयर मटेरियल चार्ज्ड, हॉपर वो होता है जो मटेरियल स्टॉक होकर रहता है जिसमें चार्ज करने का कैपेसिटी रहता है, और चूट हम लोग इसको बोलते हैं वेयर मटेरियल आर ट्रांसपोर्ट, जिसका थ्रू मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है हम लोग उसको चूट बोलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोग उसके अंदर में ध्यान नहीं देते हैं, पर बहुत जगह में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और आप ज़रूर इंग्लिश में ही, क्योंकि आप कोई भी आउट ऑफ कंट्री के लिए दे रहे हैं, तो आप ज़रूर इंग्लिश में ही बताइए हॉपर और चूट का डिफरेंस का बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। हाउ टू एडजस्ट द काउंटर रेट मेस ऑफ ए वाइब्रो मोटर इन ए वाइब्रेटिंग फीडर? हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे एक काउंटर रेट जो वाइब्रेटिंग फीडर मोटर का होता है, उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, उसका बारे में डिटेल्स ले लेते हैं। कैसे हम लोग कितना, चलते हैं आंसर का तरफ। बाय यूजिंग काउंटर वेट एंगल और परसेंटेज, हम लोग उसको दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एक काउंटर रेट का एंगल भी उसमें लिखा रहता है, आप देखिए हर काउंटर रेट का ऊपर एंगल लिखा रहता है, आप एंगल को जरूर देखिए, नहीं तो आप परसेंटेज लिखा रहेगा उसी में, उसी के ऊपर नहीं तो परसेंटेज लिखा रहेगा, दोनों में से एक लिखा रहेगा जरूर, उसको देख के आप दोनों को एक ही इक्वलाइज में ऐसा ही टाइट करके फिटिंग कीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन इफ बोथ वाइब्रो मोटर काउंटर रेट मेस आर नॉट सेम? सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि हम लोग जो वाइब्रेटर मोटर का जो काउंटर रेट होता है उसको सेम तरीके से सेम एंगल से टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा। चलते हैं आंसर का तरफ। एन अनबैलेंस वाइब्रेशन विल क्रिएट एंड डैमेज द वाइब्रेटिंग फीडर, जरूर याद रखिए ये क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत बार इंटरव्यू पूछा जाता है। वो क्या करता है, जो आप सेम तरीके से फिटिंग नहीं करेंगे तो ये क्रिएट करेगा वाइब्रेशन, अनबैलेंस वाइब्रेशन क्रिएट करेगा एंड डैमेज भी कर सकता है फीडर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ में। Why two vibro motor are used on vibrating feeder? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग क्यों दो vibro motor यूज़ करते हैं, एक भी तो हम लोग लगा सकते हैं, पर हम लोग हर जगह में देखिए अब दो क्यों लगाते हैं, उसका बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। टू अचीविंग लीनियर मोशन ऑफ ए मटेरियल व्हिच हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट, हम लोग एक लीनियर मोशन क्रिएट करते हैं, अचीव लीनियर मोशन करते हैं, और मटेरियल व्हिच हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट, हम लोग जो मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे उसको एक लीनियर मोशन हमको देना मांगता है, क्योंकि आपको लीनियर मोशन देंगे तो वो प्रॉपर वे में जाएगा और जितना क्वांटिटी में होता है उतना क्वांटिटी में ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बोथ वाइब्रेटर मोटर आर अपोजिट टू ईच अदर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो हम लोग लगाते हैं दो वाइब्रेटर मोटर, वो अपोजिट अपोजिट क्यों घूमता है, वो एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं घूमता है, क्योंकि दोनों मोटर क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, वो ऐसा ना घूमता है, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। चलते हैं आंसर का तरफ। टू कंट्रोल द वाइब्रेशन इन टू अपोजिशन एंड शिफ्ट द मटेरियल इन लीनियर मोशन, ये हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन में भी डिस्कशन किए थे। हम लोग जो वाइब्रेशन है वो पोजिशन करने के लिए है एंड शिफ्ट द मटेरियल टू लीनियर मोशन, जो मटेरियल होता है बेड का ऊपर में वो बेड को लीनियर मोशन में, वो जो मटेरियल होता है उसको फॉरवर्ड करता है, लीनियर मोशन में ही फॉरवर्ड करता है, उसका काम यही रहता है, जो कंट्रोल करता है वाइब्रेशन को और पोजीशन करके रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। व्हाट विल हैपन इफ द डायरेक्शन ऑफ बोथ वाइब्रो मोटर आर सेम, क्या होगा अगर जो दोनों वाइब्रेटर मोटर लगाए हुआ है वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा तो वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका बारे में भी आप नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंस पूछ सकता है कभी कभी इंटरव्यू में, उसका बारे में भी जान लीजिए। चलते हैं आंसर का तरफ। द वाइब्रेशन विल नॉट सफिशियंट टू मूव द मटेरियल एंड फीडर विल चोक एंड जाम, जो हम लोग
और लगाएंगे दो वाइब्रेटर मोटर तो वो उतना एक ही डायरेक्शन में घूमेगा तो उतना वाइब्रेशन नहीं दे पाएगा, जो जितना वाइब्रेशन चाहिए वो सफिशियंट नहीं होगा एक ही डायरेक्शन में घूमेगा तो। और जो मटेरियल होता है वो मटेरियल बेड के ऊपर से फॉरवर्ड का तरफ नहीं जाएगा, एक लीनियर मोशन उसको नहीं आएगा वो, इसीलिए जो चूट होता है वो जाम होने का चांसेस है, चोक होने का चांसेस है, फीडर भी जाम होने का चांसेस है और चोक होने का चांसेस है, ऐसा मत कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन का तरफ। हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइब्रो फीडर, सब लोग हम डिस्कशन किए, अभी लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कितना टाइप का है जो वाइब्रेटर फीडर होता है वो कितना टाइप है। हम लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में जो स्टील प्लांट एरिया में यूज़ करते हैं उसको कितना टाइप का होता है, जो वाइब्रेटर फीडर होता है वो कितना टाइप का होता है, उसका आंसर भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन इम्पैक्टिंग मैकेनिज्म एक दो टाइप का है, एक है डायरेक्ट फोर्स एग्जिस्ट टाइप बा DFE टाइप आप सुने होंगे, और नहीं तो अनबैलेंस्ड मोटर टाइप। ज़्यादातर हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग अनबैलेंस्ड मोटर टाइप यूज़ करते हैं, क्योंकि अनबैलेंस्ड मोटर टाइप जो होता है वो थोड़ा कैपेसिटी में ज़्यादा होता है, ज़्यादातर हम लोग शायद उसका डिजाइन भी वो सही रहता है। और आज के लिए इतना ही, मेरा चैनल में जो नया है प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, आप ज़रूर फ्री में सब्सक्राइब करके जाइए और मेरा जो हौसला को बढ़ाने में मदद कीजिए। जय जगन्नाथ। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और हम लोग का जो टॉपिक था आज वाइब्रेटर फीडर के बारे में, वो जितना मेरे को जानकारी था मैं तो आपके साथ शेयर किया। आपको टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई न्यू इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उधर आंसर करने के लिए कोशिश करूँगा, नहीं तो उसका रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो 1% भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ, सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।